नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्री ज्ञान ज्योति यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत है। आज मैं आपको एक कविता के बारे में बताती हूँ। कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पहले कवि के बारे में जानना चाहिए। इस कविता का कवि है सोहनलाल द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि है। आपका जन्म 23 फरवरी सन 1906 को हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA LLB की डिग्री ली और आजीविका के लिए जमींदारी तथा बैंकिंग का काम करते रहे। सन 1938 से सन 1942 तक आप राष्ट्रीय पत्र दैनिक अधिकार के संपादक थे। कुछ वर्षों तक आपने अवैतनिक बिना वेतन के बाल पत्रिका बाल सखा का संपादन भी किया। आप महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देशभक्ति व ऊर्जा से ओतप्रोत आपकी रचनाओं की विशेष सराहना हुई तथा आपको राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। सन 1988 में राष्ट्रकवि द्विवेदी जी का देहांत हो गया। आपकी प्रमुख कृतियां हैं भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, पूजा गीत, विश्वपान, युगाधार और जय गांधी, बांसुरी, झरना, बिगुल, बच्चों के बापू, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, नेहरू चाचा, सुजाता, प्रभाती आदि आपका प्रमुख बाल साहित्य है। अब कविता और कविता का भावार्थ समझना चाहिए। कविता, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सौ बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका भावार्थ, सतत प्रयत्नशील व्यक्ति को निश्चित रूप से जीत मिलती है। जीवन की प्रतियोगिता में असफलता से विमुख नहीं होकर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि कहते हैं, लहरों से डर कर नौका कभी भी सागर को पार नहीं कर सकती, लहरों से उसे तहराना ही पड़ता है। छोटी सी चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो सौ बार गिरती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। आत्मविश्वास के कारण उसकी मेहनत रंग लाती है और वह दीवार पर चढ़ने में सफल होती है, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरान में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्तियों का भावार्थ ये होती है, गोताखोर जब समुद्र में मोती के लिए गोता लगाता है तो कई बार काले हाथ ही लौट कर आता है, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता बल्कि दुगना हो जाता है। उसकी मुट्ठी में मोती जरूर लगते हैं वो, क्योंकि कोशिश करने वाला असफल नहीं हो सकता। तीसरी पंक्ति, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई
देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को क्या वो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका बावत, असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए, अपनी कमियों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, सुख चैन नहीं लेना चाहिए, संघर्ष का मैदान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया में उनकी ही जय होती है जो कुछ करके दिखाते हैं। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं हैं, सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद बच्चों। From Gnanajyoti team, alone we can do so little, together we can do so much. For further information, kindly visit our website, that is www.gnanajyoti.com.